डॉक्टर आर बी पाटिल महेश पीयू कॉलेज हुगली हिंदी विभाग डॉक्टर विद्या पालकर आज आपको पाठ 3 गंगा मैया से साक्षात्कार इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है। गंगा मैया से साक्षात्कार। प्रस्तुत साक्षात्कार डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी द्वारा लिया गया है। प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग किया है। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ को यहाँ पर चयन किया गया है। देव नदी, राष्ट्रीय नदी कही जाने वाली गंगा नदी लोक कल्याण के लिए सदियों पहले भगीरथ के अथक प्रयास से धरती पर उतर आई और सदियों से वह लोक कल्याण का कार्य, एक महान कार्य करती चली आ रही हैं। लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी मकर संक्रांति के दिन गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही साक्षात्कार यानी मुलाकात इंटरव्यू के लिए टाइम ले चुके हैं और वे आज वहां पर पहुंच चुके हैं और वे बड़े ही स्नेह भाव से गंगा मैया के पास बैठकर उनका इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, मुलाकात लेते हैं। प्रस्तुत है यही इंटरव्यू। लेखक सर्वप्रथम गंगा मैया से पूछते हैं पहला प्रश्न, माता जी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है, तो आप मुझे बताइए इसका क्या कारण हो सकता है। तो गंगा मैया कहती है, जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आसावान शिष्य भी हैं। तो लेखक पूछते हैं, तो तब और क्या कारण हो सकता है। गंगा मैया, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। गंगा मैया सदियों पहले जब स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई, सदियों से वह लोक कल्याण के लिए धरती पर बह रही हैं। जहाँ पर भी गंगा मैया बहती हैं उसके किनारों पर अनेक प्रसिद्ध तीर्थ धाम हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं। ऐसी यह पवित्र नदी गंगा है। गंगा के छूने मात्र से महारोग या भयंकर बीमारी भी दूर हो जाती थी। ऐसी शक्ति, ऐसी पावन पवित्र नदी गंगा मानी जाती है। आज यानी इतनी शक्ति गंगा मैया में है। तो लेखक पूछते हैं इसका क्या कारण है। तब माता कहती हैं कि मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके तो बहुत सारे कारण हैं। और माता बताना शुरू करती हैं, गंगा मैया बताना शुरू करती हैं, कहती हैं लोगों का चरित्र यानी कैरेक्टर पूरी तरह से समाप्त होता जा रहा है। अब अच्छे चरित्र वाले लोग बहुत ही कम बचे हैं। चरित्र यह शब्द सिर्फ किताबों में या कहानियों में सुनने मात्र मिलता है या शब्दकोश में, यह डिक्शनरी में सिर्फ देखने मिल रहा है। तो या मास्टर लोग यानी प्राइमरी टीचर्स अपनी छोटी कक्षाओं में, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस चरित्र से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेखक आगे पूछते, माता गंगा मैया जी, इस चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? आपको क्या लगता है ये चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? तो गंगा मैया उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, अपने मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सेवा ही परमो धर्म के जग में वाही परमो धर्म समझने लगे हैं।
यानी जो वो पहले दूसरों की सेवा की बात करते थे, अब वे सिर्फ अपने स्वार्थ की बात कहने लगे हैं। तो लोग एक दूसरे की गलतियां छिपाते हैं और मात्र अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं। फिर माता कहती हैं कि लोग इतना पाप कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाएंगे। मनुष्य इतना गिर गया है। लेखक आगे गंगा मैया से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि गंगा मैया समाज में जो कई समस्या, गंगा मैया के इंटरव्यू द्वारा लेखक ये बताना चाहते हैं कि समाज में कई समस्याएं बढ़ रही है, जैसे सेवा धर्म को लोग मेवा धर्म समझने लगे, अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग समझते कि वे कैसे भी कर्म करे गंगा उन्हें माफ़ कर देगी, प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है, लोग गंगा जल को मलिन कर रहे हैं, महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता आदि बढ़ती जा रही है। तो आगे लेखक गंगा मैया के विचारों को सुनते सुनते वे आगे प्रश्न करते हैं, हाँ माँ, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है, आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए किंतु ऐसा नहीं होता है। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं धर्म के बारे में। तो गंगा मैया बताने लगती हैं कि बेटा, देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता, धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए इस लाइन की तरफ, भगीरथ ने लोक कल्याण के लिए गंगा मैया को धरती पर उतारा, भगवान शिव की जटाओं से गंगा धरती पर आई, लेकिन आज वो जब बात बताने लगती है धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है, यानी लोग धर्म के नाम पर, बड़े बड़े साधु संत क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हम आज अनेक ऐसे देखते हैं, अनेक ऐसे सामाजिक फिल्में, उनमें हम देखते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े साधु बाबा भगवान का नाम लेकर क्या कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे अनेक विचार हम यहाँ पर देखते हैं कि बड़े बड़े स्वामी जी अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर पैसे ऐंठते हैं, अनेक गलत कार्य करने के लिए उकसाते हैं, यानी धर्म का व्यापारीकरण यानी कमर्शियल बना दिया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं राजनीति के बारे में, यानी पॉलिटिक्स। तो गंगा मैया कहने लगती है, उसको कनेक्ट करते हुए कहती हैं राजनीति के बारे में, आजकल एक दल दूसरे दल से लड़ता है, दलों के अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल को पैदा करती है, कारण अलग अलग बताते हैं परंतु असली झगड़ा तो कुर्सी का है। यहाँ पर कुर्सी मतलब शक्ति, वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तो मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी भी क्या करने लगे हैं, हंसने लगे हैं। मेरे इस पवित्र जल को लोग अनेक गलत अपराध, गलत कार्य करते हैं और मुझ में डुबकी लेकर मुझसे मांगते हैं कि माँ, मेरे सारे पापों को धो डालो। तो गंगा मैया कहती हैं, कुछ दिन पहले की घटना बताती है कि वह बताते हुए लेखक से कहती है कि वह यह कहती है कि एक सांप ने एक मनुष्य को देखा और बड़ा उदास हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। अरे, मनुष्य को देखकर एक सांप ने आत्महत्या कर ली, इस घटना से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कह सकते हैं, कहने का मतलब मनुष्य कितना पतित हुआ है, कितना अधिक गिर चुका है, पशु पक्षी भी नफरत करने लगे हैं और पशु सभी उनसे डरने लगे हैं। तो इस तरह से लेखक को गंगा मैया आज के बदलते हुए
परिस्थितियों को, समस्याओं को यहाँ पर बताती हैं। तो अंत में लेखक कहने लगते हैं कि माँ भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, तो मनुष्य के बारे में वो पूछता है। तब गंगा मैया को, तो गंगा मैया कहती हैं कि मनुष्य इतना लोभी लालची होता जा रहा है, उसका आखिरी समाधान कैसे होना चाहिए, उसका सल्यूशन क्या है। लेखक गंगा मैया से पूछते हैं। अंत में लास्ट क्वेश्चन, तो गंगा मैया कहती हैं, वत्स तुम बिल्कुल चिंता मत करो, प्रकृति अपने आप में सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है। कोई चीज़ भी किसी भी चीज़ में अगर कोई गिरावट आती है या होती है तो प्रकृति उसका समाधान निकालती है, सल्यूशन निकालती है। तो वो कहती हैं कि बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले भी हुआ है, पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। जब ये धोखा, अपराध, अत्याचार जब बढ़ जाएगा तो फिर से एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत होगी। इस तरह से गंगा मैया लेखक के साथ साक्षात्कार में अनेक अपने विचारों को रखती हैं। लेखक का समय समाप्त होता है। गंगा मैया पूजनीय और आदरणीय हैं उनके लिए। लेखक का समय समाप्त होता है। मन में अनेक प्रश्नों पर इंटरव्यू लेना चाहते हैं लेकिन समय कैसा निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। अंत में लेखक को गंगा मैया के साथ ये जो काल्पनिक इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, इसे ख़त्म करना पड़ता है। और लेखक वहाँ से माँ को प्रणाम कर गंगा मैया को प्रणाम कर वहाँ से चले जाते हैं। लेखक बड़े आनंद के साथ वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरह से गंगा मैया जो लोक कल्याण के लिए धरती पर आई हैं, सदियों से उन्होंने मनुष्य के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसी ये गंगा मैया पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। ऐसे समय में गंगा मैया को यहाँ पर प्रदूषित बोला गया, इसका वर्णन देते हैं। गंगा मैया बड़ी सुंदरता के साथ छल छल कल कल करती हुई हर जगह पर बहती जाती हैं, तो लोक कल्याण ही करती हैं, पूजनीय हैं। गंगा के जितने भी तट हैं उन तटों पर आज भी सुबह शाम गंगा आरती की जाती है। सैकड़ों हजारों लोग गंगा मैया देवी की आरती के लिए सम्मिलित होते हैं। गंगा मैया पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। तो यह एक काल्पनिक इंटरव्यू है गंगा मैया के साक्षात्कार के। आगे जानेंगे एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी प्रश्नोत्तर का भाग। प्रश्न एक, लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया है? उत्तर, लेखक ने गंगा मैया से साक्षात्कार लिया है। लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। प्रश्न तीन, माँ कहाँ विराज रही थी? उत्तर, माँ मंदिर में विराज रही थी। चौथा प्रश्न, माँ के चेहरे पर क्या थी? उत्तर, माँ के चेहरे पर उदासी थी। प्रश्न पाँच, किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? उत्तर, चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रश्न छः, गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? उत्तर, गंगा मैया ने सत्य को निर्भय कहा है। प्रश्न सात, किसका व्यापारीकरण हो रहा है? धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। प्रश्न आठ, असली झगड़ा किसके बारे में है? उत्तर, असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। प्रश्न नौ,
मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं? उत्तर, मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी तक हंसने लगे हैं। प्रश्न 10, गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? उत्तर, गंगा मैया ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। प्रश्न 11, पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती है? जब पतन की पराकाष्ठा हो जाती है तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ इस तरह से इन 11 प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर राइटिंग में प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आपका जो लिखने का जो लिखना एक कला है, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आप परीक्षा में उत्तर लिख पाएंगे। इसके लिए लिखित रूप में अभ्यास प्रैक्टिस जरूरी है। व्याकरण का भाग, वाक्य शुद्ध कीजिए। प्रश्न 1, मैंने जाकर माँ की चरण छुए। देखिए कारक की गलती है, मैंने जाकर माँ के चरण छुए। प्रश्न 2, वह एक दिन मेरा पास आया था। उत्तर, वह एक दिन मेरे पास आया था। प्रश्न 3, उसे किसी की डर नहीं है। वाक्य शुद्ध, उसे किसी का डर नहीं है। प्रश्न 4, पाशवीकता बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर, पाशवीकता बढ़ती चली जा रही है। प्रश्न 5, मैंने कभी भेदभाव नहीं की। उत्तर, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो कुछ इस तरह से आपको वाक्य, एक वाक्य में एक जगह पर गलती होती है, उसको करेक्शन करके आपको पूरा वाक्य ठीक से लिखना है। का कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। उदासी, अंत, सेवा, कुर्सिया, कावेरी। डैश करने से चरित्र बनता है। सेवा करने से चरित्र बनता है। प्रश्न 2, चेहरे पर डैश थी, चेहरे पर उदासी थी। प्रश्न 3, उस दिन दक्षिण की डैश बहन मिली थी। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। प्रश्न 4, डैश तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं। उत्तर, कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं। प्रश्न 5, इनका कोई डैश दिखलाई नहीं देता। उत्तर, इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। अगला भाग है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलिए, काल परिवर्तन कीजिए। सेवा करने से चरित्र बनता था। था या भूतकाल, आपको इसको वर्तमान काल में बदलना है। उत्तर, सेवा करने से चरित्र बनता है। प्रश्न 2, दल से दल लड़ता है, भविष्यत काल में बदलिए, दल से दल लड़ेगा। प्रश्न 3, असली झगड़ा कुर्सी का है, भूतकाल में लिखिए, असली झगड़ा कुर्सी का था। आगे हैं, अन्य लिंग रूप लिखिए। सचिव, सचिवा, वत्स, वत्सा, शिष्य, शिष्या, उपदेशक, उपदेशिका, राज्यपाल, राज्यपाल ही आता है। राज्यपालिका मत लिखिए, अन्य लिंग रूप आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। विलोम शब्द लिखिए। आपके बोर्ड के पैटर्न में विलोम शब्द नहीं है, पैटर्न ही नहीं है, पूछा नहीं जाता है, जस्ट पाठ के पीछे दिया गया है, हम इसकी चर्चा करेंगे। विलोम शब्द लिखिए। पवित्र, अपवित्र, सस्ता, महंगा, ज्ञान, अज्ञान, दुख, सुख, उत्थान, पतन। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। उपसर्ग क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरणों के माध्यम से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको देखिए। और आज के क्लास में इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपको उसको लिखना है। अभी देखिए, सूटेबल उपसर्ग आपको जोड़ना है। मूल शब्द उपसर्ग इज इक्वल टू नया शब्द। मान, मान यह मूल शब्द है, उसके पहले जो लगता है वो उपसर्ग है। अप प्लस मान, अपमान। दूषण, प्र उपसर्ग लगाकर हमने उसको बना दिया प्रदूषण। भय, उसके लिए सूटेबल उपसर्ग हमने लगाया अ, अभय, या फिर हम और एक लगा सकते हैं, निर अधिक भय, निर्भय। उसी तरह पुत्र, सु अधिक पुत्र, सुपुत्र। कीर्ति, अप अधिक कीर्ति, अप उपसर्ग लगाया, अप अधिक कीर्ति, अप कीर्ति। कर्म, सत अधिक कर्म,
सत्कर्म या फिर अ अधिक कर्म अकर्म, सु अधिक कर्म सुकर्म। प्यारे विद्यार्थियों, ये ग्रामर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसका अभ्यास कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कड़ी मेहनत कीजिए, अपना रोज़ 1 घंटा मिनिमम हिंदी की पढ़ाई कीजिए, राइटिंग में अभ्यास कीजिए, एक पत्र लेखन लिखिए, रोज़ एक राइटिंग प्रैक्टिस, रोज़ किताबों को पढ़िए, ताकि आपका जो भी 4 भाषा कौशल्य हैं, लैंग्वेज स्किल्स आपके डेवलप हो सके, लिखित रूप में आप अच्छा लिख सके और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। समय आपके हाथ में है, उसका उपयोग करना सीखिए। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए।